जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज हम बनाएंगे एक व्रत के लिए एक स्नैक्स बनाएंगे, जो कि हम व्रत के साथ भी हम ऐसे टी टाइम स्नैक्स के टाइप पे भी हम इसको खा सकते हैं। चलिए फिर, मैं आज बना रही हूँ साबूदाना टिक्की। और ये साबूदाना टिक्की बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है, जिसको कि मैंने 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। वो अभी 3 घंटे बाद ये फूल के ऐसे डबल हो गया है और उसके दाने बहुत ही खिले खिले और बड़े हो गए हैं। और मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता काट के लिया है, यहाँ पे 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है, एक छोटा चम्मच सेंधा नमक और 2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 कप भुनी हुई मूँगफली ली है। अभी मैं क्या करूँगी, पहले छलनी में ये साबूदाने को छान लेंगे। छान के हम एक साइड पे 30 मिनट के लिए इसको अलग से रख लेंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाएगा। फिर अभी एक बड़ी सी प्लेट लेंगे और जिसमें ये हम 4 उबले आलू लिए थे उसको हम अच्छे से मसल लेंगे। चाहे आप फॉक से मसलिए या फिर आप कोई ये पटाटो स्मैशर के सहायता से भी इसको मसल सकते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे ही स्मैश कर लीजिए। अच्छे से स्मैश कर लिया, अभी उसके ऊपर हम सारे मसाले डाल देंगे। अभी पहले मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक डाला, अभी 2 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और उसके साथ जो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाली हूँ, आप चाहें तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। हरा धनिया जिसको मैंने धो के साफ करके बारीक काट लिया है, यहाँ पे जो मूंगफली थी उसको मैंने दरदरा पीस लिया है, उसको भी हम डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारी मूंगफली पूरी पाउडर फॉर्म में नहीं है, दरदरी है। अभी जो ये साबूदाना मैंने स्ट्रेन करके रखा था उसमें से मैं 1/2 डालूंगी। पहले हम 1/2 मैश करेंगे और उसके बाद हम बाकी सारा डाल के फिर सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारा, अभी हम सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेंगे। अगर आप व्रत में चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर खाते हैं तो आप ज़रूर डालिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है, उसको अभी हम अच्छे से इस डो के साथ मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैंने यह बाकी जो बचा हुआ मेरा साबूदाना था उसको भी मैंने डाल दिया और उसको भी मैंने अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी हमारा मिक्सचर रेडी है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। अभी हम गैस स्विच ऑन करके एक फ्राइंग पैन चढ़ाएंगे और उसमें मैं 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी इसको सैलो फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पहले हम हाथ को ऐसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर उसके बाद एक जैसे रोटी बनाने की साइज़ की एक छोटी सी लोई लेंगे, छोटा से लेके उसको ऐसे उंगलियों की मदद से ऐसे ही उसको प्रेस करते हुए मैं टिक्की का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको दूसरा शेप भी दे सकते हैं। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे टिक्की बना रही हूँ। बस हमें ऐसे ही बाकी सारा टिक्की बना लेना है। आप चाहें तो इसमें, मैंने यहाँ पे व्रत की वजह से सेंधा नमक यूज किया है, आप चाहें तो नॉर्मल सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे उंगलियों की और हथेलियों की मदद से कैसे मैं टिक्की बना रही हूँ। बस अभी हमारा तेल भी गर्म हो गया है, अभी हम फ्राइंग पैन में एक एक करके सारा टिक्की ऐसे ही डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको 3 मिनट के लिए पकाएंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए, 3 मिनट बाद हम इसको सावधानी से पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा रंग आ गया है, हमारे टिक्की की एक तरफ अच्छे से सीख गया है। बस ऐसे ही आप धीरे धीरे सब सारे टिक्कियों को पलट दें और फिर से लो मीडियम फ्लेम पे बाकी और 3 मिनट बाकी टिक्कियों को ऐसे ही सेक लें। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, अभी ये निकालने के लिए तैयार है। अभी हम फ्राइंग पैन से इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। हमारी टिक्की बन के तैयार है।
आप इसको अपने व्रत में कोई भी व्रत की चटनी के साथ या सॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं, या आप चाय के साथ शाम को भी इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम तेल डाल के बाकी जो टिक्कियाँ बचे हैं उनको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आप मेरी ये साबुदाना टिक्की बनाइए और इसको टेस्ट कीजिए, और आपको ये मेरा साबुदाना टिक्की कैसा लगा आप अपना कमेंट अपनी कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।